ये हम लोग अभी आए हैं विंटरलैंड, और अभी कुछ ही देर बाद हम अंदर दाखिल होंगे और इंशाल्लाह आपको अंदर के नज़ारे करवाएंगे। हमारे साथ हैं बाबर, बिलाल साहब और एहसान साहब और असद रब्बानी साहब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और वो दूसरे नुमान रब्बानी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम लोग विंटरलैंड में एंट्री होगी हमारी, और इंशाल्लाह हम अंदर के नज़ारे आपको दिखाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Winter's on. What a beautiful Rani. अस्सलामुअलैकुम असगर भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है? आप बताना पसंद करेंगे आप कहाँ हैं? ये हम लोग अभी विंटरलैंड आए हुए हैं, और ये जो है कराची में पी एफ प्लेस, ये कारसास पे है। जी, कारसास पे जो है पी एफ म्यूजियम के पास ये वाक़ है, और इसके अंदर जो है तकरीबन इनका टिकट जो है वो 1500 रुपये टिकट है। लेकिन अभी सिर्फ हम इंटर हुए हैं, इंटर होते ही हमने जो इस माहौल को महसूस किया है, तो हमने ये हमारी कमेंट्स हैं कि 1500 रुपये बिल्कुल वसूल हो, और ये अंदर जो है -10। थैंक यू। ये -10 हमें दिख रहा है, देखिए -10 लिखा हुआ है, टेम्परेचर जो है -10 चल रहा है। आप हमें मजीद कुछ बताएंगे यहाँ पर? ये देखिए, ये मिसाइल, यकीन करें कि यहाँ पर ये तकरीबन 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है, 1 घंटे का टाइम होता है, और हम तो जब अंदर आ रहे थे तो हमने कहा 1 घंटे में क्या होगा, कम से कम 3-4 घंटे होने चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर आधा घंटा गुजारने की बहुत मुश्किल। शुक्रिया बहुत आप, इंशाल्लाह आप आए और ये 1500 का टिकट इंशाल्लाह आप यहाँ से वसूल करके जाएंगे। थैंक यू। ये अंदर देखें गार बने हुए हैं, ये ओए यहाँ देखें पांव स्लिप हो रहे हैं, और ये बर्फ है मेरे ख्याल से। ओए 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 बिलाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, ये पीएफ म्यूजियम के साथ है, विंटरलैंड के नाम से सियाहती मकाम बनाया गया है। इसकी फीस जो है 1500 रुपये, 1500 रुपये बहुत कम है। अगर आप सो यू शुड कम हियर, आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपनी जिंदगी में अपने ऊपर अगर आपने 10 रुपये खर्च किए हैं, अगर 1500 रुपये अपनी जिंदगी में आप खर्च करेंगे ना अपनी जिंदगी में, इंशाल्लाह मुझे इंजॉय करके जाएंगे। अभी हम इसमें यहाँ से जा रहे हैं, ये रास्ता है, और आगे जाके देखते हैं कि क्या है। वाओ, ये दूसरी साइड है, मुझे तो सर्दी लगना शुरू हो गई है भाई। ये देखें, और ये तकरीबन सारा बर्फ का बना हुआ है।
ये हैं असद साहब और ये बिलाल साहब हैं और ये देख रहे हैं आप यहाँ का चमक धमक। और हमें तो सर्दी लगना शुरू हो चुकी है इस वक्त। इंशाल्लाह आप आए विंटरलैंड, आप बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ के वेदर को, यहाँ के मौसम। विंटरलैंड बिल्कुल आपको मरी जाने की और कालाम नाराज जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। कैसे लगा लामा आपको यहाँ आकर? कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत जबरदस्त। ये जो छोटा वीडियो लेनी साहब। आप देखने वालों को, व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? सर भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैं उनसे कहूँगा कि अपनी खूबसूरत ज़िंदगी से वक्त निकालें और उनको ज़रूर यहाँ आएँ। आपको पालन जज्बा सवाद गिलगित बल्तिस्तान का अगर मौसम इंजॉय करना है काशी में, तो विंटरलैंड ज़रूर आइएगा इंशाल्लाह। बहुत खूब।
ये बस लास्ट टाइम ख़त्म हो चुका है और अब हमारी भी बर्दाश्त से जो है बिल्कुल बाहर हो गया है। यहाँ पर ठेरना मत, रुकना है, निकलना है, जल्दी हो जाओ, रुकना है। ये ऊपर से पूरा विंटरलैंड का व्यू, ये लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हैं इस एडवेंचर के बारे में। विंटरलैंड ये विंटरलैंड का कैफेटेरिया है जो ऊपर वाक़ है।